अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर कुदूस। इस वक्त रूबरू हूं मैं जेके बैंक ब्रांच टंगडार से, जहां लोगों को अपने ही पैसों के लिए भीख मांगनी पड़ती है। और इस सर्दी में अगर हम बात करें, जहां माइनस टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और लोग इस कदर मजबूर हैं कि वो इस वक्त भी बर्फबारी के अंदर आप देख सकते हैं मर्द ख्वातीन हजरात जो है वो बाहर खड़े हैं, अपने ही पैसे जो हैं वो भीख की तौर पर मांग रहे हैं जम्मू कश्मीर बैंक से। सवाल ये उठता है, क्या अगर लोग जो हैं अपने पैसे जो हैं जेके बैंक में अंदर बढ़ते हैं और इस पर बिजनेस होती है, इकनॉमी जो है वो बूस्ट होती है, लेकिन जब लेने की बारी आती है तो इस तरह से भीख क्यों मांगना पड़ता है? आप हालात देख सकते हैं कि बर्फबारी जिस हिसाब से इस वक्त माइनस टेम्परेचर के अंदर एक तरफ जहां बर्फबारी है और दिसंबर का महीना चल रहा है, जहां जो है जिले कलान भी दस्तक देने वाला है, वहां माइनस टेम्परेचर में लोग, बुजुर्ग, बच्चे, मर्द, ख्वातीन जो हैं बाहर खड़े हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो पैसे जो हैं वो मिलेंगे। सवाल ये है कि यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ चंद महीने पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर बैंक बिल्डिंग का काम जो है वो लगा था और एक छोटा सा शेड जो है यहाँ पे काम आगाज के लिए रखा गया था, लेकिन आज तक कंट्रैक्टर जम्मू कश्मीर बैंक अथॉरिटी फेल हो चुकी है कि इस काम को जो है वो पूरा कर सके, जिसकी जो है डायरेक्ट हमें ये नज़र आ रहा है कि लोग जो है किस तरह से इस वक्त भीग रहे हैं और किस तरह से जो है अपने पैसों के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ कई एक लोग जो हैं यहाँ पे हैं, हमने बात करने की कोशिश की, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जनरल मैनेजर या जो जूनियर जनरल मैनेजर हैं उनसे बात करें कि आखिर माजरा क्या है, आखिर ये बिल्डिंग जो है इतनी लेट क्यों हो रही है। सबसे बड़ा सवाल कि अगर पैसे अपने हैं तो भीख क्यों मांगनी पड़ती है और इस बर्फ़ में, इस तूफान में, इस ठंड में लोग, बुजुर्ग, मर्द, ख्वातीन जो हैं वो बाहर बैठे हैं। ये देखिए, आप हालात देखिए। चाचा कहाँ से आए हैं आप? हम कोना गबरा से आए हैं। क्या क्या कहेंगे? साहब कर दें आप, बर्फ भी अगर हम तूफान नहीं देने, बर्फ बर्फ एक तरफ जहाँ बर्फ है दूसरी तरफ ठंड है, फिर भी आप बाहर हैं, अपने पास ही अपने पास ही, आप क्या दुश्मन बन रहे हैं, क्या मसला है? ये बन रहा है साहब, यहाँ पे लोग हमारे साथ हैं। 9:30 बजे आ गया के बेड़ा ऐसा खलते हुए बर्फ में बाहर ऐसे खलते हैं, अंदर भी नहीं बढ़ने देंगे? ना अंदर कौन करने देंगे, अंदर आ जाते ही नहीं। क्या वो उन्हों को बताओ, उसे उसने क्या रखा, उसे मत को जा उन्हों को जाओ करते हैं के मुलाजमन गवर्नमेंट मुलाजमन उसे आपने मत है लाशों ना पैसे तुझ तेरे पैसे का दुश्मन वो ही पैसे है उसके। लाला ये मुंडा आदमी सुबह खलता नहीं थे, बर्फ में ये देख मार जाते थे, सुबह खलता ना खड़ा में जाए ना लाख रुपये रोड भी नहीं कोई, सुबह आए ना खलता नहीं बाहर क्या आते क्या जाओ बाहर थे मारा बाहर तो बर्फ जी तूफान लगी दिया है, तूफान लगी है, देख सुबह भी खलते नहीं। आप देखिए हमारे साथ औरतें भी हैं, यहाँ शर्म की बात यह है कि ख्वातीन भी बाहर खड़ी हैं और इन्हें भी एंट्री नहीं दी जाती है अंदर जाने के लिए। हालांकि हम ये भी देखें कि हम जब इंटर हो रहे थे तो हमें मास्क का कहा गया, जब हम अंदर गए तो मास्क के बिना जो है मुलाजमीन बैठे हुए थे। आप देखिए ये हमारे साथ हैं। मासी कहाँ से आए हो? गबरा से। कितनी परेशानी होंगी बर्फों में? दिन भर खड़े रहने थे। अच्छा, अंदर नहीं गए? नहीं गए। क्या आते हैं? तो ये आपको मैं लाइव विजुअल्स दिखा रहा हूँ, जहाँ जम्मू कश्मीर बैंक बड़े बड़े दावे करता है तरक्की को लेकर, और तरक्की को लेकर ये दावे आज आपको ग्राउंड जीरो पे नजर आ रहे हैं, जहाँ जिस तरह तरफ एक तरफ माइनस टेम्परेचर जो है वो जारी है, बर्फबारी शदीद जारी है, और दूसरी तरफ लोग जो हैं, मर्द हजरात, ख्वातीन, बच्चे, बुजुर्ग जो हैं वो बाहर इस वक्त भीख मांग रहे हैं अपने पैसों के लिए। हालांकि हमें ये समझ नहीं आती कि जम्मू कश्मीर बैंक, जहां इस वक्त सबसे बड़ा दावा करता है कि मैं सबसे ज़्यादा जो है लार्जेस्ट बैंक माना जाता है जम्मू कश्मीर की बात की जाए, क्या इसको एक सेपरेट बिल्डिंग जो है वो नहीं मिल सकती? क्या किराए पर जो है ये बिल्डिंग खरीद नहीं सकते, जहाँ ये लोग जो हैं यहाँ जिस तरह से लोग भीख मांग रहे हैं, इस तरह से अगर ये इस बर्फ़ के हालात में, ये चाचा देखिए, चाचा कहाँ से आए आप? पिंगला हरिडार से। क्या क्या ये देखिए बर्फ़ लगी हुई है जी, अंदर नहीं गए थे? क्या आते हैं बस नंबर नहीं लग रहा बताऊँ कि जिस तरह से ये आपने सिचुएशन देखी, सिचुएशन है
और ये आप ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देख रहे थे। मैं आपको ये बताऊं कि ये हालात देखिए ज़रा आप के हालात क्या हैं। पैसे आपने और फिर दुश्मन भी खुद ही बनते हैं ये पैसे, और जम्मू कश्मीर बैंक जो बिजनेस करती है लेकिन उनको क्या चाहिए, ये सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर बैंक अगर बड़े बड़े दावे करती है तो एक किराए पे अपना जो है एक बिल्डिंग नहीं ले सकती जब तक वो बिल्डिंग जो है तामीर नहीं होती। अगर वो बिल्डिंग की डेडलाइन जो है विंटर से पहले थी तो क्या उस कॉन्ट्रैक्टर को जो है ब्लैक लिस्ट ही किया जा सकता है, क्योंकि अगर वो विंटर से पहले नाकाम हो गया ये बनाने में तो उसको ज़रूर ब्लैक लिस्ट किया जाए, ताकि आने वाले टाइम के अंदर ये बुज़ुर्ग, ये बच्चे, ये औरतें जो हैं इस चीज़ को लेकर जो है परेशान ना हों। क्योंकि जब आते हैं सुबह निकलते हैं ठंड में, माइनस टेम्परेचर है और ऊपर से बर्फ़बारी किस तरह से शदीद जारी है, और कई जो हैं शाम को ऐसे ही घर लौटते हैं, बीमार होकर घर लौटे हैं जहाँ लाखों रुपये जो खर्च होते हैं। यहाँ से एक बार फिर ये लोग यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर DC कपवाड़ा, यहाँ के LG एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि ज़रा गौर कीजिए क्या हो रहा है, आखिर इन लोगों के साथ, इन मासूम चेहरों के साथ क्या हो रहा है। ग्राउंड जीरो से ताहिर कुद्दूस की ये खास रिपोर्ट। DARS Commerce and Management Studies announces admission for coaching 11th 12th Commerce BCom BBA all semesters CA CMAT UGAT. DARS Commerce and Management Studies, the symbol of excellence. Paripura opposite GN Sons, Naugam bypass above HDFC Bank, phone number 7006149618.